दिव्या जी, दिव्या जी प्लीज ओपन योर माइक। सर, आई वांट टू गिव यू अ फीडबैक सर। आई हैव बीन लाइक ओनली अप्लाइंग कलर्स ऑन माय फादर इन लॉ। आई हैड आस्क्ड योर हेल्प फॉर माय फादर इन लॉ। ही वाज लाइक काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड और ऐसे कुछ इमरजेंसी जैसा सिचुएशन था। राइट आफ्टर ही केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, आई हैव जस्ट गिवन हिम कलर कलर थेरेपी सर। डायबिटीज का कलर्स, लंग्स का कलर्स और हाई बीपी का और किडनी बीन, सिर्फ इतना ही चल रहा है। वेरी और कभी कभार उनका स्वेलिंग हो जाता है तो राउंड ब्लू लाइन ब्लू हो जाता है ऑन द राइट इंडेक्स फिंगर। तो राइट, आई हैव गिवन आई हैव चेंज्ड हिज डाइट चार्ट। वेरी गुड। आपकी आवाज कट गई। ऑर्गन फ्लो के हिसाब से आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर हिम एंड ही इज फॉलोइंग दैट। ऑल्सो ही इज फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट। सर अभी आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। हाँ, ही इज फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट। तो अभी ही इज ऑन इंसुलिन। तो विद इन 15 डेज टू 20 डेज, 12 यूनिट से हिज इंसुलिन हैज कम डाउन टू 6 यूनिट वेरी नाइस। एंड हिज फेस लुक्स लाइक उनका आंख ऐसे बाहर ऐसे पॉप आउट होने जैसा लग रहा था। एंड ही चेहरे से पता चलता है ना लाइक द पर्सन इज वेरी सिक। राइट तो अभी उनका हेयर ग्रोथ अच्छे से हो गया है, ही फील्स वेरी नॉर्मल। वो सामने से बोलते हैं कि आई हैव बिकम वेल, आई एम बेटर नाउ। तो ही रोम्स अराउंड। उनका एक साइड में पैरालिसिस भी है बट इट ओके, डजंट मैटर हिम सो मच। तो अभी मैं बुक्स में ढूंढ रही हूँ सर, आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग फॉर पैरालिसिस। तो ओनली दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज वेरी नोटिस करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। पैरालिसिस के लिए देखिए, अभी जिस पेशेंट की बात की मैंने, हॉस्पिटल में से बाहर निकले हैं, डिस्चार्ज मिला है उनको, तो मैंने मेन ग्रुप में, आप हैं ना दिव्या जी? यस सर, हाँ, तो उसमें देखिए मैंने कल या परसों ही वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भेजे थे कि ओके सर, 3 लाइंस ऑफ प्रोटोकॉल से, सम पॉइंट्स आर टोन, सम पॉइंट्स आर सीडेट, और एक पॉइंट है वहाँ पे जिसपे मेथी सीड लगाना है। सो यस सर, स्टार्ट अप्लाइंग दोस ट्रीटमेंट्स विथ योर, सॉरी यस सर, ससुर जी आपके, है ना, हाँ सर। वो लेफ्ट साइड का लगाना। है, चल जाएगा ना सर? हाँ वो बिल्कुल शायद इट्स बिल्कुल, बीन लेफ्ट 5 ईयर्स। एंड राइट दोनों तरफ करके लगाइए। ये हाँ प्रिवेंशियल होता है कि शुरुआती इसमें वहां से क्लीनिंग करने के लिए, है ना, ओके जैसे इम्प्रूवमेंट और दिखेगी वी विल ऐड सम अदर पॉइंट्स, तो इसको हटा के दूसरे पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीने तो किसी भी पैरालिसिस के पेशेंट को लगानी चाहिए, तो उसको शुरू कर दीजिए। इनके जो बाकी के ओके सिम्टम्स है इसमें भी आराम मिलेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना। थैंक यू सर, थैंक इंसुलिन यू सर। कम करना ये डॉक्टर्स के बस की बात नहीं होती, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सर, बहुत सुंदर लगा मुझे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल।